हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 6 साल की एक अपाहिज लड़की है। उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। सुनीता के पिताजी बनवारी लाल एक नंबर के शराबी हैं। पूरा दिन शराब के नशे में टुन रहते हैं। काम धंधा तो उनसे कुछ होता नहीं है और अगर उनकी पत्नी शराब पीने के लिए टोक दे तो उसे ही भला बुरा कहते हैं और बेल्ट निकाल कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। शाम का समय है। बनवारी लाल अपने घर की चौखट पर बैठ कर शराब पी रहा है। सुनीता सब्जी काट रही है, तभी उसकी माँ कमला बाहर से आती है। किसके साथ मुंह काला कर रही थी तू? इतनी देर क्यों लग गई तुझे? अरे कुछ करते धरते तो हो नहीं, कम से कम मुंह से तो अच्छा बोला करो। सुनीता की बात सुनकर बनवारी लाल गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींच कर मारता है। सच बोला तो मिर्ची लग गई तुम्हें? पूरा दिन नशे में रहते हो, कुछ पता चलता है कि किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नशे में रहता हूँ, हाँ रहता हूँ नशे में। तेरे बाप का क्या जाता है इसमें है? देखो बाप का नाम मत लो। लूंगा, बोल क्या करेगी, बोल। देख रहा हूँ बहुत जबान चल रही है तेरी। जबान खींचने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड। और तुम्हें आता क्या है? फिर बोला तूने? आज तो तेरे पगार का दिन था ना। चल चल सारे पैसे निकाल, चल पैसे। नहीं दूंगी पैसे, अब तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तेरी शराब के लिए। लोग सही कहते हैं, सही कहते हैं लोग, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। ये कहकर बनवारी लाल फिर से कमला की पिटाई करने लगता है। सुनीता अपनी माँ को बचाने के लिए आती है, लेकिन बनवारी लाल उस बेचारी पर भी दया नहीं करता और उसे जोर से धक्का मार देता है। उसके सिर से खून बहने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कमला के सारे पैसे छीन कर बाहर निकल जाता है। कमला तुरंत जाकर एक गिलास पानी लाती है और सुनीता के ऊपर छींटे मारती है। सुनीता, ए बेटी सुनीता, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो ना बेटा, बेटा आंखें खोलो ना। थोड़ी देर में सुनीता अपनी आंखें खोलती है। उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। तू क्यों बीच में आ गई? तुझे पता है ना, नशे में तेरे पापा जानवर हो जाते हैं, जानवर। तेरी पिटाई देखकर रोना आता है माँ। धीरे धीरे कैलेंडर पर सिर्फ डेट बदल रहे थे, लेकिन बनवारी लाल के अत्याचार की कहानी जस की तस थी। अब सुनीता 17 साल की हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ कमला थोड़ा बीमार रहती, लेकिन अगर वो कमाती नहीं तो बनवारी लाल की शराब कैसे आती? एक दिन कमला बहुत बीमार थी, इसलिए वो काम पर नहीं जा रही थी। ये देखकर बनवारी लाल का पारा चढ़ गया। फिर से बीमार पड़ गई तू? महीने में 20 दिन बीमारी का बहाना करके लेटी रहेगी तो मेरी दारू कहाँ से आएगी? बहाना नहीं कर रही, सिर घूम रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। तेरे इस सिर घूमने के चक्कर में तेरी तनख्वाह कम आती है, अब तनख्वाह कम आएगी तो दारू भी कम आएगी। कान खोल कर सुन ले, मैं सभी बातों में समझौता कर सकता हूँ लेकिन दारू में नहीं। चल चल अब उठ जा और काम पे चल। तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? कह रही हूँ तबीयत खराब है, फिर भी बेमतलब जिद किए जा रहे हो। रुक, तेरा इलाज मैं करता हूँ। इसके बाद बनवारी लाल वहाँ पास रखे डंडे से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। सुनीता ये देख कर उसे बचाने आती है। बाबा, माँ को मत मारो ना, उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते हैं? लो अब तेरे भी पंख निकल गए, रुक तुझे भी बताता हूँ, रुक। बनवारी लाल ने अपनी अपाहिज बेटी को भी नहीं बख्शा, उसकी भी पिटाई कर दी। उसी शाम की बात है, बनवारी लाल शराब के नशे में बिल्कुल टल्ली होकर चारपाई पर पड़ा था। तभी उसके दरवाजे पर दिवाकर नाम का आदमी उसे पुकारता है। बनवारी लाल, अरे ओ बनवारी लाल। बनवारी लाल तो नशे में धुत था, उसे क्या मतलब कि कौन उसे पुकार रहा है और कौन नहीं। सुनीता दरवाजे पर आई। दरवाजे पर सुनीता को देखकर दिवाकर उसे घूरने लगा।
जी बाबा तो सोए हुए हैं। आप कौन हैं? उनसे कुछ काम था क्या? काम? काम? हाँ काम था ना, बहुत जरूरी काम था। जब वो जागे तो कह देना कि दिवाकर आए थे। दिवाकर? अरे तू बहुत छोटी थी तभी मैंने गांव छोड़ दिया था, इसलिए तू मुझे नहीं पहचानती। मैं तेरे बाबा का दोस्त हूँ। दिवाकर बहुत ही बेशर्म किस्म का आदमी था। अपनी इसी बेशर्मी के कारण कई सालों पहले उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा था। एक बार फिर से वो कुछ दिनों के लिए गांव लौटा था क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। दूसरी ओर सुनीता ने बनवारी लाल को दिवाकर के आने के बारे में बता दिया था, लेकिन वो शराब के नशे में सब भूल गया। एक सप्ताह बाद दिवाकर की नजर बनवारी लाल पर पड़ी। उस समय वो शराब पीने जा रहा था। और भाई बनवारी लाल कहाँ चल दिए? कौन? अबे अब तू मुझे भूल गया? इतना बड़ा आदमी हो गया है तू। अरे दिवाकर तुम कब आए? एक सप्ताह हो गया, तेरे घर गया तो था। चल छोड़ ये सब, जा कहाँ रहा है? भाई अपनी तो मंजिल भी एक है, रास्ता भी एक, शराब पीने जा रहा हूँ। सुन बहुत पी ली तुमने वो घटिया वाली शराब, चला आज मैं तेरे को अंग्रेजी पिलाता हूँ और मस्त चिकन फ्राई भी, चल। दिवाकर उसे शहर की एक बड़ी सी दुकान में ले गया। वहाँ उसे जी भर कर अंग्रेजी शराब पिलाई और चिकन भी खिलाया। वहाँ से लौटते वक्त, क्या मस्त शराब थी भाई, ऐसी शराब जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ हवा में उड़ रहा हूँ ऐसे। एक बार जो अंग्रेजी पी ले फिर तो इसी का होकर रह जाता है। अबे तूने पिलाई तो पी ली अंग्रेजी हमने भाई, पी ली बस। अब रोज रोज ये मिले भाई, ऐसा नसीब नहीं है भाई हमारा। अबे तेरा भाई है ना, तेरा नसीब बदल देगा। लेकिन तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। बोलना बोलना, तेरे लिए तो जान हाजिर है। सुन तू अपनी बेटी सुनीता को मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख? लेकिन तू उसका करेगा क्या भाई, तू क्या करेगा? तू आम खाने से मतलब रख, गुठलियां गिनेगा तो देसी ही पीता रह जाएगा। बनवारी लाल ने अपनी बेटी सुनीता का सौदा अपनी शराब की बोतल के लिए कर दिया। जिस बाप की जिम्मेदारी बेटी की सुरक्षा होती है, उसी बाप ने अपनी बेटी के तिल तिल कर मरने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन उसने बनवारी लाल को पूरे 3 लाख रुपए दे दिए और शाम को एक आदमी के साथ सुनीता को लेने उसके घर धमक गया। दिवाकर जबरदस्ती सुनीता का हाथ खींच कर उसे ले जाने लगा। माँ माँ मुझे बचा लो माँ, छोड़ छोड़ मेरी बेटी का हाथ, बेशर्म छोड़, ये तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, पूरे 3 लाख रुपए दिए हैं तेरी बेटी के, इसके बाप ने इसे बेच दिया है। ये कोई जानवर है या कोई सामान जो बेच दिया? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। उसने दिवाकर को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बनवारी लाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करेगी इस लंगड़ी का, ये बोझ ही तो है हम पर, अगर कोई इसकी कीमत दे रहा है तो क्या बुरा है, है? बोझ ये नहीं तुम हो। मैं हूँ बोझ? मैं? रुक अभी तुझे बताता हूँ, रुक जा। आज मार मार कर मुझे लहूलुहान कर दे, पैर हाथ तोड़ दे या जान ले ले, लेकिन जब तक सांस चलेगी मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। बनवारी लाल कमला को तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश ना हो गई। उसके बाद दिवाकर सुनीता को एक कार में बिठाकर शहर ले गया। वहाँ उसने एक आदमी से सुनीता के साथ रात बिताने के बदले में पैसे लिए और उसे कमरे में भेज दिया। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मुझे जाने दीजिए। तुझे छोड़ने के लिए मैंने 25,000 नहीं खर्च किए हैं,
चल अब नाटक बंद कर और मुझे खुश कर। उसके बाद वो आदमी सुनीता के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन सुनीता ने उसके हाथों को अपने दांत से काट लिया। वो चीखता हुआ बाहर आया। क्यों बे दिवाकर, रोकड़ा तो पूरा ले लिया लेकिन बदले में ये नखरा करने वाली लड़की दे दी। क्या हुआ? वो तो हाथ ही लगाने नहीं दे रही। नहीं है ना सेठ? नई हो या पुरानी मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने पैसे दिए हैं तो मजा भी तो चाहिए। रुकिए सेठ, मैं अभी उसका इलाज करता हूँ। उसके बाद दिवाकर कमरे के अंदर गया और ए लड़की, कान खोल कर सुन ले, तेरे बाप को पूरे 3 लाख दिए हैं तेरे बदले, इसलिए नाटक बंद कर और ग्राहकों को खुश कर, नहीं तो ये जो तेरी एक टांग बची है ना, वो भी नहीं रहेगी। ये धमकी देकर वो बाहर निकल आया। वो आदमी फिर से अंदर गया और सुनीता के साथ जबरदस्ती करने लगा। सुनीता चीखने लगी लेकिन उसकी चीख का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगा। दिवाकर चौकन्ना हो गया। वो खिड़की से छिपकर देख रहा था कि पुलिस आखिर आई कहाँ है। तभी कई सारे पुलिस वाले धड़ाधड़ करके उसके घर का दरवाजा तोड़कर घुस आए। एक पुलिस वाला सुनीता के कमरे में गया और उसे उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाया। सुनीता ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने बाहर देखा कि कई पुलिस वाले खड़े हैं और उनके साथ उसकी माँ भी है। वो लंगड़ाते हुए अपनी माँ के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। माँ, माँ मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग अच्छे नहीं है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब ये सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। साहब मुझे माफ कर दो, साहब साहब मुझे माफ कर दो। औरतों को सामान समझकर बेचने खरीदने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। बेटा तेरे बाप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अब वो सारी जिंदगी चक्की पीसेगा। सुनीता अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आई। उसके बाप और दिवाकर पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 12 साल जेल में रहने की सजा सुनाई। आज सुनीता अपनी माँ के साथ एक चाय की दुकान चलाती है, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में ये बात आती है कि कब तक बेटियाँ यूं ही बाजार में सामान की तरह बिकती रहेंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।